ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਿਲਤਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੁਪਾਂਤੀ ਮੋਹਿਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ ਮੋਹਿਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵਿਪਤ ਜਨ ਕਰ ਹੋ ਸੁਪਾਈ ਚਰਨ ਨਾ ਛਾਡੋ ਸਰੀਰ ਕਲ ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਮਿਲੋ
ਨਾ ਬਿਲਾਂਬਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।
Wow.
ਭਗਤ ਨਾਹੀ ਸੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਮੇ।
ਸੁਖ ਪਾਈ ਗੁਰ ਆ ਗਏ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਗੁਰ ਪਾਏ ਜੋ ਮਿਲੇ ਤਿਵੇਂ ਮਿਲਾਏ ਆਪ ਮਿਲ ਲਏ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਆਪ ਲਿਆ ਕਰ ਆਏ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗ ਨਾ ਫਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਏ ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਵਾਹ
ਲੈ ਦੀਨ ਦਇਆ, ਰੱਖ ਲੈ ਦੀਨ ਦਇਆ, ਰੱਖ ਲੈ ਦੀਨ ਦਇਆ। ਪ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ। ਭਗਤ ਵਚਨ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ, ਹਰ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਿਆ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਬਿਨੋ ਮੋਹਿ ਸਾਰਿਆ। ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਿਆ, ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਮੇਲ ਲਹੋ ਦਇਆ, ਮੇਲ ਲਹੋ ਦਇਆ, ਮੇਲ ਲਹੋ ਦਇਆ, ਮੇਲ ਲਹੋ ਦਇਆ। ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰ ਹੁਸਿਰ ਜਣਹਾਰ, 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 ਸਿਵਰ ਹੁਸਿਰ ਸਜਣੇ ਅਸੀਂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
देहो सजन असी सड़िया
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਮਿਟ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰੀ ਜਿੰਦਾ।
दुख परम कहो कैसे मेरा। मिट गया दुख विसारी गया दुख विसारी चिंता, दुख विसारी चिंता, दुख विसारी चिंता। गया दुख विसारी सोए तुम्हारी
निर्गुण को ले हो उधारी। मिट गया दुख निसारी सारी चिंता दुख सारी चिंता दुख सारी चिंता मिट गया दुख सारी चिंता दुख सारी रख कंठ परोए सिमर सिमर रख कंठ परोए सिमर सिमर रख कंठ परोए सिमर सिमर रख कंठ परोए रख कंठ परो गया दुख सारी चिंता
ਵਸਿਆ ਹਰ
मिट गया दुख बिसारी चिंता, बिसारी चिंता, बिसारी पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज उनके द्वारा उच्चारण किया हुआ यह शब्द एक बहुत ही सिंपल सी बात कह रहे हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल पर बहुत मुश्किल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गहराई में उतरेंगे तो बहुत मुश्किल है। एक कहावत है, बचपन में दास ने सुनी थी कहीं पर, इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि खुश रहना बड़ी सीधी सादी बात है पर सीधा साधा रहना बड़ा मुश्किल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर भी वही बात है, गुरु अर्जन देव जी महाराज जो कह रहे हैं, मिट गया दुख बिसारी चिंता, कि मेरे सारे दुख खत्म हो गए, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई। कब? मुझे फल मिला। किस चीज का फल पाया? जप सतगुर मंता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने गुरु का नाम जपा, मैंने गुरु का नाम जपा, मेरे सारे दुख, मेरी सारी चिंताएं, मेरे सारे रोग खत्म हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। कितनी सिंपल बात है, अगर इतनी ही सिंपल होती हम तो रोज जप रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु कृपा करके तरस करके हमसे रोज जपवा रहा है, रोज वाहेगुरु वाहेगुरु करते हैं, नाम भी जपते हैं। विचार किया है कभी इस बात पर कि कोई एक दिन आकर ही ले जाता है, कोई सारा सारा साल आकर भी नहीं झोली भरती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या फर्क है?
सर्व रोग का औखध नाम जब किया था ना 5 दिन का, सब ने किया था। कईयों के रोग खत्म हो गए थे, मेरे पास रिपोर्ट्स लेकर आए थे कि शुगर बीमारी रिपोर्ट से गायब हो गई, शुगर तो कभी ठीक होती ही नहीं। कई लोग आए थे, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो गई थी पर सबकी नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे सारे दुख मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई, मुझे फल मिला किस चीज़ का, जब मैंने नाम जपा उसका फल मुझे ये मिला, मेरे सारे दुख मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई। पर हमारी क्यों नहीं हुई? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर ये बात इतनी सिंपल होती तो हमारी भी खत्म हो जाती। कहाँ चूक हो रही है? बाबा महाहरनाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी के मुर्शिद, उनके पास जब भी कोई बीमारी लेकर आता ना कि मुझे ये बीमारी है, ये बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी, तो कहते स्नान करके करा के लाओ। इसे सेवादार जाके तालाब में स्नान करा कर लाते, सामने बैठाते और कहते 21 पाठ श्री जपजी साहब जी के सुनाओ या 11 पाठ सुनाओ, जैसे उनके मन में, जैसे वो कहते, जैसे उनका मन को भाए। किसी को 51 भी कहते हैं कि तू कर, मैं सुनूंगा बैठ के, या कई बार खुद करते कहते तू सुन, 51 पाठ श्री जपजी साहब जी, और उसका रोग ठीक करके ही भेजते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इंस्टेंटली। ये नहीं कि चल जा तेरा पाठ हो गया कुछ महीने बाद तू ठीक हो जाएगा, नहीं, उसी वक्त तत्काल ठीक करके भेजते। आप जीवन पढ़ो बाबा महाराज सिंह जी का, और जब आगे पढ़ते जाओ आगे पढ़ते जाओ तब बात समझ में आई कि कारण क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा महाराज सिंह जी उसके सुरत से सुरत जोड़कर नाम जपाते थे। बात की गहराई को पकड़ना, अगर पाठ सुनते हुए पाठ करते हुए उसका ध्यान कहीं भटक जाता तो उस पाठ को वह गिनते ही नहीं, फिर से कहते फिर से कर, क्योंकि तेरा ध्यान नहीं था। बड़े ध्यान से बात को समझना। कई बार अपने आप पर आप नोट करो, कोई पास में बैठ के बात करता हो, कान में आवाज जा रही है पर समझ में नहीं आता क्या कहा, कहते फिर से सुना, मेरा ध्यान नहीं था। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, वो बोल रहा है, हम बैठे पास में, आवाज़ भी चल रही है पर हमारा ध्यान अगर कहीं और चला गया तो शब्द कानों में जाकर भी बात दिमाग तक नहीं पहुंचती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महाराज सिंह जिस पॉइंट को समझाया करते थे, जैसे भोजन मुख खाता है और शरीर को लगता है पहुंचता है, इस प्रकार जो शब्द है गुरु का, जो नाम है, वो कान जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हृदय में प्रवेश नहीं करेगी वाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख रोग संताप उतरे सुनी सुनी, जिसने सुने, सुनना किसे कहते हैं, केवल कान में आवाज ना जाए, ध्यान भी कान में हो। जब शब्द और सुरत का मेल होता है तो चमत्कार होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम रोज जप रहे हैं, हमारी बात नहीं बनती, कभी कभी बन जाती क्योंकि तब सुन रहे हैं, कभी सुन लिया कभी नहीं सुना। आप अपने आप को आजमा के देखो, मैंने तो बहुत बार आजमाया है। श्री सुखमणि साहब जी का पाठ चल रहा हो, कई अष्टपदी ऐसे ही निकल जाती हैं, सुन रहे हैं, अचानक ध्यान इतनी निकल गई क्योंकि ध्यान कहीं और चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब तक ध्यान कानों में नहीं होगा, प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान,
एकाग्रचित सावधान किसे कहा है? मन जो कान में शब्द जा रहे हों, जब संत सिंह जी मस्कीन जी, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी ये वचन अक्सर कहा करते थे, वाह गुरु जब ये रसना कह रही है, चाहे मुख में कहे चाहे मन में कहे, कान सुने, भाव सुरत तेरी उस नाम में हो, चाहे मुख बोले ना बोले, हृदय में चल रहा हो, गले में चल रहा हो, कान सुने, ध्यान वहाँ पे हो। कान का मतलब यहाँ पर है ध्यान, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब ये हो जाए, मिट गए दुख बिसारी चिंता, सारे दुख सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। अगर ये अवस्था प्राप्त हो जाए, ये कैसे प्राप्त होती है? अभ्यास से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन। एक बात की तो गारंटी बाबा मार राम सिंह जी ने दीजिए, अगर जीवन पड़ेंगे तो, अगर ध्यान से कोई एक पाठ भी सुन ले ना पूरा, एक पाठ सिर्फ एक, कोई भी रोग हो दूर हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई भी चिंता हो दूर हो सकती है, चमत्कार होगा। चमत्कार किसे कहते हैं? जिस पे विश्वास ना है कि कैसे हो गया। चमत्कार घटित हो सकता है हमारे जीवन में अगर हमें सुनने की कला आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभ्यास करना पड़ता है रोज। मन भटकेगा फिर से लाओ, मन भटकेगा फिर से लाओ, फिर से लाओ, करते करते समा बढ़ता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन। फिर ये घटित हो जाएगा। मिट गया दुख बिसारी चिंता, बिसारी सारी चिंता, दुख सारी चिंता, दुख सारी चिंता, मिट गया दुख सारी चिंता, दुख सारी चिंता, दुख सारी चिंता। एक घटना दास को याद आ गई मेरे सामने जो घटित हुई। मैं पूर्ण महापुरुषों के साथ बैठा था श्री अमृतसर साहब में, संगत भी थोड़ी किसी के घर में बैठे थे, परिवार था जो बहुत प्यार करता था, प्रेम करता था महापुरुषों से, उनके घर में गए थे भोजन खाने। अचानक उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई महापुरुषों की, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, इतना ज़्यादा हाई हो गया कि डॉक्टर इमरजेंसी में आए और इंजेक्शन लगाने लगे। उस वक्त महापुरुषों ने जब बीपी हाई हुआ, श्री सुखमणि साहब जी की महिमा बता रहे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि कैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री सुखमणि साहब जी की वाणी की रचना रोगों को ठीक करने के लिए की थी। वो घटना सुना रहे थे ऐसे ही स्वाभाविक ही, कोई खास पहलू नहीं था। और तबीयत बिगड़ी,
डॉक्टर आया और कहने लगा ये गोली से ठीक नहीं होगा, एमरजेंसी में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा जिससे बीपी कम हो जाए, लेवल पे आ जाए। तब महापुरुषों ने कहा रुक जा, उठ के बैठ गए, लेट गए थे क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। कहने लगे सारी संगत को आज प्रमाण दे देते हैं कि वाणी की ताकत क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टर से कहने लगे हमारे सामने बैठ जा, तू भी देख ले। और संगत से भी कहा कि अब सारी संगत मिलके एक श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करो, हम सुनेंगे, आपके सामने आपको दिखाते हैं कि वाणी की ताकत क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मेरे सामने मैंने अपनी आंखों से देखा, संगत ने एक श्री सुखमनी साहब जी का पाठ किया, महापुरुषों ने वहाँ बैठ कर सुना और अब कहते डॉक्टर को बीपी चेक करो। बीपी चेक किया, बिल्कुल नॉर्मल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समय ऐसा था कि इंजेक्शन के बिना नॉर्मल नहीं हो सकता, गोली अलग बात हो गई, एमरजेंसी में इंजेक्शन लगता है, सीधा ब्लड में जाता है। श्री सुखमनी साहब जी का एक पाठ उन्होंने ध्यान से सुना, बीपी नॉर्मल हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कान सुने, ध्यान हो उसमें तो चमत्कार होता है। गाविए सुनिए, मन रखिए सुनिए, गाए भी जब तेरी रसना, तेरे कान सुने, ध्यान तेरा कानों में हो, अक्षरों में हो और तेरे मन में भाव हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्रेम हो। भाव कहते हैं श्रद्धा को। गाविए सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाए। हमें अब तक सुनना नहीं आया, गुरु मेहर करे, गुरु मेहर करे। कोशिश करनी है, हमारे बस में नहीं है, गुरु प्रसाद है। हम अपनी तरफ से अपना अभ्यास करते रहा करें, पहले एक मिनट का करें, दो मिनट का करें। श्री जपजी साहब जी का पाठ ही कम से कम ऐसे हो जाए कि पूरे एक एक पंक्ति सुरती से गुजर जाए, आपको खुद अपने आप में बहुत बड़ा चेंज दिखाई देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मिट गया दुख बिसारी चिंता, दुख बिसारी चिंता, दुख बिसारी चिंता। मिट गया दुख बिसारी चिंता, दुख बिसारी कटे धन गुरु नानक। हर नामो मंत्र दृढ़ाएंदा, दृढ़ाना किसे कहते हैं। गुरु जब तर्स करता है, गुरु प्रसाद वर्तता है तो मंत्र दृढ़ा देता है। दृढ़ किसे कहते हैं, हृदय में प्रवेश कर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे मोबाइल में ब्लूटूथ होता है ना, कैसी टेक्नोलॉजी, यहाँ से चीज वहाँ ट्रांसफर हो जाती, दिखाई भी नहीं देती। जब गुरु प्रसाद वर्तता है,
गुरु की कृपा बरती है तो शब्द हृदय में प्रवेश कर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसके पीछे कारण एक ही है, शब्द और सूरत का मेल। गुरु की जब गुरु प्रसाद वर्ता है, कृपा वर्ती है, तो ध्यान शब्द में लग जाता है, तब शब्द हृदय में प्रवेश करता है। और फिर एक सबसे बड़ी घटना घटित होती है, वो है कटे होमे रोग। हर बीमारी, हर दुख, हर चिंता का कारण अगर डिटेल में जाएंगे ना गुरबाणी में, तो केवल होम में है अहंकार। यहाँ तक के बाणी में इतनी डिटेल में बताया है कि अगर शरीर में बीमारी भी है, अगर उसके पीछे कारण भी अहंकार ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर होम में रोग खत्म हो गया तो असल में जन्म का कारण भी अहंकार ही है। जब तक अहंकार है जन्म होता रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं पाएंगे, छूट तो वही है जिसका अहंकार खत्म हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर शरीर में बीमारी है तो ये मान लेना चाहिए हमारे अंदर अहंकार है। अब हम कई बार ये बात कह देते हैं कि महापुरुषों को कैसे बीमारियां लगती हैं, फिर उनमें अहंकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों को जैसे बाबा नंद सिंह जी हो गए, पूर्ण महापुरुष, संगत के दुख अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, आके अरदास करते हैं, उनके हृदय कोमल होते हैं, उनके हृदय से अरदास निकल जाती है, उसके लिए थोड़ा दुख लेना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जितनी ज़्यादा संगत, जितनी ज़्यादा लोग सर झुकाते, उतनी ज़्यादा बीमारियाँ लेनी पड़ती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो कहा है, जन्म मरण दो हूँ मैं नाही, जन परोपकारी आए। वो जन्म मरण में नहीं आते, जेल में कैदी भी है, जेल में जेलर भी आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैदी मजबूरी में, हमारे जैसे कैदी, हम मजबूरी में आए अपने कर्मों के मारे, पर संत महापुरुष यहाँ पर आते हैं जेलर बन के, अपनी मर्जी से आते हैं कैदियों को सुधारने के लिए, अपनी मर्जी से जाते हैं, वो बंधन में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर नाम मंत्र दृढ़ आयंदा, ये दृढ़ हो जाए मंत्र। वाह वाह वाह। कोशिश कीजिए शब्द में सुरत जुड़ जाए, कान सुने, ध्यान कान में लग जाए। वाह 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 वाह। शब्द में सुर, शब्द में ध्यान। Thank you.
मिट गया दुख बिसारी चिंता, दुख बिसारी चिंता, दुख बिसारी चिंता, मिट गया दुख बिसारी चिंता, दुख बिसारी चिंता, दुख बिसारी चिंता, फल पाया जप सतगुरु जप सतगुर मंता, फल पाया जप सतगुर मंता, जप सतगुर मंता, जप सतगुर मंता, जप सतगुर गया दुख बिसारी चिंता, दुख बिसारी चिंता, दुख बिसारी चिंता, मिट गया दुख बिसारी चिंता, गया दुख बिसारी चिंता, गया दुख बिसारी चिंता, दुख बिसारी फल पाया जप सतगुर मंता, फल पाया जप सतगुर मंता, फल पाया जप सतगुर मंता, फल पाया
जप सतगुर मंता, जप सतगुर मंता, जप सतगुर मंता, जप सतगुर मंता, जप सतगुर मंता। मिट गया दुख बिसारी चिंता, दुख बिसारी चिंता, दुख बिसारी चिंता। मिट गया दुख बिसारी सारी चिंता।
धन गुरु नानक 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 धन गुरु नानक। आज शाम को कीर्तन क्लासेस है, शाम को 5 से 6। जो जो कीर्तन सीखना चाहते हैं अपनी तैयारी करके ऑनलाइन बैठे इसी चैनल पर, अमृतला ट्रस्ट लाइव पर ही शाम को ऑनलाइन कीर्तन क्लासेस है, शाम को 5 से 6 बजे तक। गुरु नानक मेहर करें। दास तो चाहेगा हर कोई, इसमें ना किसी ने कमेंट में लिखा हुआ था कि मेरी 50 साल उम्र है मैं सीख सकती हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और वैसे भी सिखी का सबसे बेसिक जो सिख का डेफिनेशन है वो है जो मरते दम तक सीखने के लिए तैयार रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अहंकार ना करे कि मुझे आता है, आने के बाद भी यही कहे कि मुझे नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 कोई भी सीख सकता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे कोई बूढ़ा है चाहे कोई बच्चा है। शाम को 5 से 6 ऑनलाइन कीर्तन क्लासेस। 2-3 दिन में दास अनाउंस कर देगा जो गुरबाणी की संध्या की क्लासेस है, और गुरुमुखी की क्लासेस का टाइम भी अनाउंस कर देगा दास। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संगत से बेनती है, जो लोग अमृतवेले यहाँ पर, इस शहर की संगत को दास कह रहे हैं खास करके, जो लोग अमृतवेले आते हैं यहाँ पर, संगत रात को 12 बजे से आई होती है, यादा करके सारे लोग 1 बजे 2 बजे तक सब आ जाते हैं, तो उनको अपने घर के काम भी होते हैं सब होते हैं, तो 7 बजे तक 8 बजे तक यहाँ से सब लोग चले जाते हैं। तो जो थोड़ा इतने सारे पाठ रखे हुए हैं ना, तो सुबह अब ये समझ लीजिए 9 से लेके या 8:30 से लेके 10:30 बजे तक एक ऐसा टाइम स्लॉट है जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, संगत कम होती है। तो जो लोग अमृतवेले नहीं आते उनके चरणों में बेनती है कि वो आके इस वक्त को संभालें, साथ में पाठ में हाजिरी भरें, ताकि गुरु मेहर करें निर्विघ्नता से समाप्ति हो। वैसे तो आज तक गुरु ने तर्स किया, जितने भी पाठ रखे कभी कोई विघ्न नहीं आया, गुरु नानक की मेहर से, आप संगत की आशीष से। तो आप सारे अब कहीं हैं, आपके शहर कहीं हैं, तो आप सब आकर यहाँ पर हाजिरी भरिए। इस वक्त थोड़ी सी, कल मुझे सेवादार बता रहे थे कि 8:30 से 9:30 तक ना जितने लोग बैठे थे उतने ही थे, तो जो सेवादार यहाँ खड़े हो तो कह रहे थे कि मैंने ना लोगों की तरफ देखना ही बंद कर दिया जो बैठे, कि इशारा करेंगे तो उठाऊंगे कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो थोड़ा सा साथ दीजिए, जो लोग रुक सके रुके, बाकी जिन बेनती है कि बाकी आके बैठे। जो खास सेवादार हैं, जो अपने आप को खास समझते हैं, वो तो घर ही मत जाओ भाई, बैठो यहाँ पर पाठ में। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खास वही है जिसका घर होता है ना, उसे चिंता होती है। शादी होती है ना, बाराती आकर चले जाते हैं, जिनका घर होता है वो आखिर तक सामान संभालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो जिन्हें लगता है कि ये दरबार उनका है, वो तो बस घर जाओ बैठो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 कभी वो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दर चपूर चित्के इच्छा तब चंदन मन रहे हमारा अपना जान करो कृत पारा हमरे दुष्सभ तुम कहो आप हाथ दे मुहे बचाओ सभी बसे मोरो।